एक जमाना था जब हमारे किसान भाइयों को खेती बाड़ी करने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते थे और अपने सारे कृषि कार्य बैलों के सहारे वो किया करते थे। हालांकि जैसे तैसे हफ्तों भर का ये काम आज आधुनिक समय में ट्रैक्टर की बदौलत कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर किसान के सुख दुख का वही साथी जिसके बिना आज के समय में खेती करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये ट्रैक्टर बनाया कैसे जाता है या फिर कितनी तरह के पुर्जों के बाद ये तैयार होता है? अगर नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ट्रैक्टर मेकिंग की पूरी A to Z कहानी डिटेल में बताने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसान के लिए ट्रैक्टर उतना ही खास है जितना आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज के लिए कंप्यूटर सिस्टम। हालांकि देश में किसानों की भयानक स्थिति के चलते इनमें से कुछ ही ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास खुद का अपना ट्रैक्टर होता है और किसी किसी गांव में तो एक अकेले ट्रैक्टर से सबका काम चल जाता है। वेल, आज मार्केट में अलग अलग कंपनियां अलग अलग कीमत पर इसे बेचकर नाम और दाम दोनों कमा रही हैं, लेकिन इनको बनाने का प्रोसेस लगभग एक ही जैसा है जिसका खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। तो दोस्तों, लोहा लाठ ट्रैक्टर को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है बेहिसाब तादाद में स्टील और लोहे की, जिन्हें सबसे पहले एक जगह पर लाकर पिघलाया जाता है। ये समझिए, इन्हीं पिघले हुए लोहे और स्टील की बदौलत ट्रैक्टर के पैन के निब से लेकर इंजन तक कहीं और नहीं बल्कि इसी फैक्ट्री में तैयार होते हैं। बस कुछ करना होता है तो इसे गर्मा गर्म लिक्विड को निकाल कर इन्हें उन पार्ट्स के मुताबिक बने सांचों में डालना जो ठंडे होकर खुद ब खुद उस पार्ट की शक्ल ले लेते हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं प्लांट के प्रेस शॉप की तरफ, जहां पर स्टील बॉडी की मदद से बोनेट कवर, सिटिंग कवर, यहां तक कि उसकी ऊपर की छत तक बनाई जाती है। बस यहां स्टील की शीट को मशीन के अंदर रखना होता है और वो उसे प्रेस करके कुछ इस तरह से शेप दे देती है जो आगे चलकर ट्रैक्टर में हमारे बैठने का सहारा बनेंगे। वहीं इस प्लांट के एक पोर्शन में ट्रैक्टर का दिल यानी कि इंजन तैयार होता है, जहां लगभग 4 से 5 सिलेंडर वाले 75 हॉर्स पावर के जानदार मजबूत इंजन रेडी किए जाते हैं। इस सेक्शन में पहुंचते ही आपको सबसे पहले ऑटोमेटिक CNC मशीन दिखाई देगी जो कुछ इस तरह से इंजन को आकार देने में बेहद बिजी होती है। आपको बता दें ये मशीन फुली ऑटोमेटिक होती है। तो भाइयों, इससे गलती होने की गुंजाइश आप इसी पर छोड़ दीजिए। कुछ ही समय में CNC मशीन झट से इंजन के लिए फ्रेम डिजाइन कर देती है और एक वर्कर उसे वर्किंग मशीन के नीचे ले जाकर उसकी धुलाई करता है ताकि आकार लेते वक्त फ्रेम में लगा किसी भी तरह का मेटल निकल जाए। मिलिंग, बोरिंग और गन ड्राइंग जैसी सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद इनके अंदर लगे पुर्जों की असेंबली के लिए इन्हें आगे के सेक्शन की तरफ डिस्पैच कर दिया जाता है। यहाँ इस फ्रेम में क्लच, गियर जैसे अन्य जरूरी पार्ट्स को लगाकर उनकी ताकत बढ़ाई जाती है, क्योंकि दोस्तों एक इंजन की असली ताकत उसमें लगे पुर्जों पर ही निर्भर करती है और इसलिए इसमें लगे सारे पुर्जों की सूक्ष्मदर्शी जांच की जाती है। टेस्टिंग के बाद इन इंजनों का एक साथ सैकड़ों की गिनती में प्रशिक्षण किया जाता है और जो इंजन इस कड़ी कसौटी पर खरा उतरता है सिर्फ उसे ही ट्रैक्टर में लगाने के लिए आगे भेजा जाता है। इंजन बनने के बाद ट्रैक्टर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है ट्रांसमिशन, जिसे कुछ ऐसी जर्मन मेड ऑटोमेटिक मशीन के सहारे तैयार किया जाता है और फिर डिजिटल कंपाइलर, माइक्रोमीटर, प्रोफाइल प्रोजेक्टर जैसे कई उम्दा टेस्टिंग मशीनों के जरिए उपकरणों की जांच की जाती है। आपको बता दें ये टेस्ट ट्रैक्टर के लिहाज से बेहद जरूरी है, जिसमें गियर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, ऑयल प्रेशर जैसे कई अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। एक बार इन टेस्ट में सफल होने के बाद ट्रांसमिशन और इंजन को जीरो स्टेशन की तरफ रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों, ये फैक्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ ट्रैक्टर के डिफरेंट पार्ट्स आकर मिलते हैं और उन्हें जोड़ा जाता है, या फिर यूं कहें कि दोस्तों ट्रैक्टर का असली जन्म इसी जगह पर होता है। यहाँ पर वर्कर्स का काम इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ना होता है और इसे जॉइंट के अच्छे से जुड़ने के बाद इसमें लगे गियर बॉक्स में गियर ऑयल डाला जाता है और फिर इसकी गियर स्मूथनेस टेस्टिंग होती है। सब कुछ फिटफाट मिलने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर एंटी रस्ट लिक्विड में कुछ समय के लिए डुबाया जाता है ताकि सालों साल चलने वाले आपके इस जान से भी ज्यादा प्यारे ट्रैक्टर को जंग का एक कोना भी ना छू सके। इसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को पेंट शॉप की तरफ भेजा जाता है ताकि जंग ना लगने के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहे। वेल, फैक्ट्री के इस सेक्शन में आपको ना ले जाने के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ बेहद हाई टेम्परेचर में
रंगों की लीपापोती होती है जो शायद हमारे कैमरे के लेंस की ऐसी तैसी कर सकती है। इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ ट्रैक्टर के बाकी हिस्सों को भी इस PLC टेक्निक से रंग कर उनकी असेंबली शुरू की जाती है। ऐसे में सबसे पहले इनकी वायरिंग की जाती है, साथ ही हैंड ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक और गियर सॉफ्ट जैसे अन्य छोटे पार्ट्स बाहर से लगाए जाते हैं। अब दोस्तों, बिना स्टार्टर मोटर के ट्रैक्टर स्टार्ट होने से रहा तो इसलिए उसमें ये भी अटैच कर दिया जाता है। साथ ही साथ फसल काटने वाली डिवाइस को लगाने के लिए यूज किए जाने वाला हाइड्रोलिक लिफ्ट भी लगा दिया जाता है। अब दोस्तों, दोनों साइड के पहियों के लिए एक्सल की बारी आती है और उसके ऊपर स्टेयरिंग लगाने के लिए एक रॉड लगाई जाएगी। वेल, कुछ होने के बाद सभी पार्ट्स के कोने कोने तक ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है। फिर इसमें बाकी सभी बॉडी फ्रेम्स को अटैच कर हेडलाइट, इंडिकेटर और स्टीयरिंग व्हील जैसे तमाम छोटे मोटे पार्ट्स को लगाकर ये तामझाम खत्म कर दिया जाता है और फिर स्टार्टिंग टेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां पर कोई सिरफिरा ड्राइवर इस पर सवार होकर इसे ऐसे चलाता है मानो उसे कोई टूटी फूटी साइकिल मिल गई हो। एक बार सारे गियर, ब्रेक और स्पीड टेस्ट होने के बाद अगर ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो इसे किसान का सबसे सच्चा साथी बनने के लिए मार्केट में उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके घर में भी ट्रैक्टर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।